कोरोना काल से जंग लड़ रहे पुलिस के जवानों के लिए अब सामाजिक संस्थान इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए जूस भेंट कर रही है। ऐसी कड़ी में पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस कर्मियों का इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए जूस के 12,000 पैकेट भेंट किए गए हैं। अतिरिक्त तो पुलिस आयुक्त क्राइम अशोक गुप्ता ने इस सेवा कार्य के लिए सनराइज एग्रीलैंड डेवलपमेंट एंड रिसर्च कंपनी के डायरेक्टर डॉक्टर अतुल गुप्ता को धन्यवाद दिया। कंपनी की ओर से 12 लाख रुपए की भेंट सामाजिक सरोकार के बतौर दी गई है। गुप्ता ने कहा कि कोरोना के संकट की घड़ी में पुलिस कर्मियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ना जरूरी है। ऐसे में कल्प अमृत जूस हमारे जवानों को ताकत देगी। सनराइज कंपनी के प्रबंधन ने कोरोना वॉरियर्स की सेवा करने का संकल्प लिया है। डॉक्टर अतुल गुप्ता ने बताया कि सनराइज एग्रीलैंड डेवलपमेंट एंड रिसर्च हनीमैन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी और भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ की ओर से कोरोना वॉरियर्स की सहायता के लिए सदैव तत्पर है। उन्होंने बताया कि इन तीनों संगठनों ने जयपुर शहर की सभी पुलिस थानों और डीसीपी कार्यालय भवनों को सैनिटाइज करने का जिम्मा भी संभाला हुआ है। पुलिस कंट्रोल रूम यादगार भवन के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड डीसीपी ट्रैफिक को सौंप दिया गया है। इम्यूनिटी बूस्टर जूस है जो इम्यूनिटी बढ़ाएगा, इस तरह का इनका कंपनी का दावा है। और ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का सारा जूस वगैरह है, अमेरिका तक इनका ये जूस एक्सपोर्ट होता है। अतुल गुप्ता जी इसके प्रमोटर हैं, वो स्वयं अपनी स्वप्रेरणा से यहाँ कमिश्नर साहब के पास पधारे थे और उन्होंने खुद ने चला करके ये प्रस्ताव दिया कि हम जयपुर पुलिस के सारे जवानों को ये जो इम्यूनिटी बूस्टर जूस है ये देना चाहते हैं, वितरित करना चाहते हैं। 10-12 हज़ार की हमारी फोर्स है यहाँ जयपुर की, उनको सबको ये मिलेगा। करीबन 20 दिवस पहले से प्रारंभ किया था और दूसरा हम काम कर रहे हैं कि जयपुर की पुलिस को इम्यूनिटी को बूस्ट करें और इम्यूनिटी को बूस्ट करके उनको किसी भी तरीके से इस समय उनको निरोगी रखने का संकल्प लेते हुए कार्य कर रहे हैं। इस कार्य में हम जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं, जो मीडिया कर्मी जयपुर शहर में अपनी जान को जोखिम में डाल करके इसको कवरेज कर रहे हैं, हम उनके लिए भी ये सभी सुविधाएं दे रहे हैं और हम हृदय से और ईश्वर से कामना करते हैं कि हमारे मीडिया कर्मियों को और हमारे पुलिस कर्मियों को किसी भी प्रकार का कोई कोरोना जैसा जो है प्रभाव ना पड़े, ऐसी मेरी मंगल कामना है और ईश्वर हमें और शक्तिशाली बनाए, आगे से आगे हम मदद। कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाने के लिए 24 घंटे अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जो पुलिस कर्मी हैं उनके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जयपुर कमिश्नरेट के अंदर यहाँ पर 12,000 जो जयपुर पुलिस में जो तैनात जो पुलिसकर्मी हैं उनको यहाँ पर इम्यूनिटी सिस्टम के लिए ये ऑर्गेनिक जो जूस है वो यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। एक कंपनी की मदद से यहाँ पर जयपुर कमिश्नरेट ने एक अनूठी पहल शुरू की और उसी पहल के तहत यहाँ पर उन सभी पुलिसकर्मियों को जो 24 घंटे यहाँ पर जिसमें परकोटा क्षेत्र के अलावा जो 11 थाना इलाके हैं वहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं जो लगातार अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और कर्फ्यू क्षेत्र के अंदर लगातार आमजन की सुरक्षा में मुस्तैद हैं और जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उनको यहाँ पर घरों के अंदर रहने के लिए जो यहाँ पर जागरूक कर रहे हैं उनके लिए ये ऑर्गेनिक जूस है वो वितरित किया जाएगा और जिसकी शुरुआत यहाँ से जयपुर कमिश्नरेट में कर दी है यहाँ पर। और इसी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये ऑर्गेनिक जो जूस है वो इन सभी पुलिसकर्मियों को किया जाएगा। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर कोरोना का जो जहर जो पनप रहा है, जो संक्रमण है जो पनप रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं जरूरी होता है इम्यूनिटी सिस्टम को बनाना और उसके लिए जरूरी है ये ऑर्गेनिक जूस। और इसी के चलते यहाँ पर जयपुर कमिश्नरेट की जो अनूठी पहल है उस पहल के तहत यहाँ पर ये इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जो ऑर्गेनिक जूस है वो यहाँ पर वितरित किया जा रहा है। कैमरा पर्सन रामकृष्ण सैनी के साथ यादव शर्मा, एवन टीवी।